हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनीज किचन और मैं हूं आपके साथ विनी खंडेलवाल। आज हम बनाएंगे नाचोस रिलोडेड। इसे रिलोडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लॉट्स ऑफ चीज के साथ लोडेड रहते हैं। ये एक मैक्सिकन स्टाइल ऑफ स्नैक है जिसे आज मैं इंडो मैक्सिकन स्टाइल में बनाऊंगी। इसे बनाना थोड़ा क्विक है, 10 से 15 मिनट में आप इसे तैयार कर सकते हैं। जब आपके घर में अचानक से कोई गेस्ट आए और आपके पास टाइम कम हो और कम एफर्ट में आपको कुछ अच्छा बनाना है तो नाचोस रिलोडेड से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नाचोस रिलोडेड बनाने के लिए हमें चाहिए नाचोस जो कि 3 to 4 सर्विंग्स है, 200 ग्राम्स ग्रेटेड मोजरेला चीज, हाफ मीडियम साइज कैप्सिकम, 1 मीडियम साइज अनियन, 1 मीडियम साइज टमेटो। इन सबको हम बारीकी से काट लेंगे। 1 टीस्पून हर्ब्स जिसे मैंने बेसिल, पार्सले और ओरिगनो मिला के बनाया है। अगर आपके पास पार्सले या बेसिल ना हो तो आप सिर्फ ओरिगनो यूज कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ले लिया है। अब हम बनाएंगे साल्सा जो कि नाचोस में यूज होगा। सबसे पहले हम टमेटो डाल लेंगे, उसके बाद हम कैप्सिकम डाल लेंगे, फिर हम अनियन डाल लेंगे और इसमें मैंने जो हर्ब्स बनाया है वो अब हम मिक्स कर लेंगे, साथ में चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। इसे चला के हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, 5 मिनट में साल्सा तैयार हो जाएगा। अब हम नाचोस को ओवन सेफ प्लेट पे यूनिफॉर्मली अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम साल्सा को स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर इवनली। अब हम इसमें ग्रेटेड चीज स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से और फिर हमारा नाचोस रिलोडेड तैयार हो जाएगा। अब ये तैयार हो गया, अब हम इसे ओवन के अंदर डाल देंगे। नाचोस को हम ओवन में 5 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड में डालेंगे। हमारा नाचोस रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। थैंक यू। फिर से हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जय हिंद।